हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट, आज इसकी आई गेस थर्ड या फोर्थ क्लास है, देख लीजिएगा कौन सी क्लास है। तो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा था, मैंने काफी आपको जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन करवा दिए थे, आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है, सात से आठ क्वेश्चन अपन करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आपको सेशन अच्छा लगेगा। एंड तक जरूर देखिएगा, जरूर आपको हेल्पफुल लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट तरीके फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर करके कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1.5 है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने ऐसे सवाल आपको बहुत बार करवाए हैं, तो देखिए क्या होगा इस सवाल में। ये सवाल है कि 5% तो आपको रेट दे रखी है, इसको मैं 1/20 लिख सकता हूँ, और क्या दे रखा है कि 2 साल की बात है और 1.5 जो है इसका अंतर है। क्या अंतर है? CI और SI का अंतर है आपका 1.5। ठीक है, 1.5 है और 2 साल की बात है, 2 साल की बात है तो मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। प्रिंसिपल को मैंने मांग लिया 400, उसके बाद मैं ट्री बनाता हूँ फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 1/20 करूंगा मैं इसका 400 का, 400 का एक बटा 20 करेंगे तो 20 हो जाएगा, और सेकंड साल में भी 20 ही चलेगा सेम रेट। रेट अगर बिल्कुल एक जितनी है, मतलब रेट इक्वल है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो साधारण ब्याज है वो सेम रहेगा। ठीक है, फिर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, पहले साल के ब्याज के ऊपर एक और बार ब्याज लगेगा, किस दर से, 1/20 से, तो एक हो गया। तो अंतर क्या होता है, 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, केवल ये वाला डिब्बा। कैसे? देखो पूरा चक्रवृद्धि ब्याज होता है और ऊपर वाला साधारण ब्याज होता है, पूरे में से अगर मैं साधारण ब्याज हटा दूंगा तो ये बच जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1.5 है, बीवी है ना भाई, जो अंतर है वो 1.5 के बराबर है, तो 1.5 के बराबर तो एक की वैल्यू 1.5 हो गई, तो एक की वैल्यू अगर 1.5 हो गई तो अपन किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है अपन से। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, 400 रेशो, तो 400 × 1.5 कितना होगा, 1560 यानी कि 600 रुपए। ऑप्शन देख लीजिएगा, इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 600 रुपए इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया क्वेश्चन क्या है। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लग गए होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको आसान लगने लग गए होंगे क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया आपको। 10,000 रुपए है राशि दे रखी है, 10,000 रुपए 10% ब्याज की दर से 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है, जबकि ब्याज की दर जो है वो हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली आपकी कैलकुलेटेड हो रही है, तो इसमें दर कितनी दे रखी है दोस्तों, दर दे रखी है अपनी 10%, लेकिन हाफ ईयरली केस में क्या होता है कि 10/2 हो जाएगी यानी कि 5% आ जाएगी, आधी हो जाती है ना दर, तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 1/20 तो हो गया आपकी रेट। अब क्या कह रहे हैं, टाइम कह रहा है 1 ईयर, बट इसमें हाफ ईयरली की बात है तो 1 साल के अंदर 6-6 महीने के 2 पार्ट बना दूंगा, तो मैं मान के चलूंगा कि 2 साल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि प्रिंसिपल को मैंने क्या माना, प्रिंसिपल तो दिया हुआ, मानेंगे क्या, 10,000 रुपए दे रखा है, अपन से पूछ क्या रहा है, अल्टीमेटली अपन से पूछना है कि अंतर क्या होगा, शायद अंतर ही पूछ रहा है ना, बिल्कुल अंतर ही पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे 10,000, 2 साल की बात है पहला और दूसरा साल, 1/20 करूंगा इसका, कितना जाएगा 500, सही है 500 आएगा ना, 1 0 से ये करके 1,000 का 500, और यहाँ पे भी 500 का 20% से और लगेगा यानी कि 5% से और लगेगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 × 40 = 2500 यानी अंतर क्या होगा, अंतर आपका ये वाला डिब्बा होता है 25, तो अल्टीमेटली आपका 25 रुपए ही क्या हो जाएगा, CI और SI का अंतर हो जाएगा। उनमें आगे कोई दिक्कत नहीं थी, आसान क्वेश्चन था। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़िए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 12.5% आपको रेट दे रखी है, 3 साल की बात है, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 750 दे रखा है, तो आपको प्रिंसिपल पूछा है। देखो कुछ नहीं है, सबसे पहले रेट आपको याद होनी चाहिए, 12.5% 12.5% होता है 1/8। ठीक है, टाइम है 3 साल, 3 साल है, बिल्कुल 3 साल है, और जो CI और SI का अंतर है वो तो दोस्तों क्या दे रखा है, 750 दे रखा है। चलो 750 दे रखा है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 8 है, मैंने प्रिंसिपल को मान लिया 8 का क्यूब यानी कि 512, क्यूब मान लेते हैं क्योंकि 3 साल की बात है, 3 साल की बात है, तो मैंने 8 का क्यूब ले लिया। चलो तो 3 साल की बात है, 3 साल में 3 बना लीजिए आप, 3 बनाओगे 512 यहाँ लिख दो एक बार, आपका प्रिंसिपल है, उसको आप 1/8 करोगे तो कितना हो जाएगा, 64 सेम चलेगा तीनों साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। अब लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, 64 पर लगेगा, 1/8 कर लो 64 का 8 हो जाएगा, यही 8 यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि पहले साल का ब्याज दूसरे साल और तीसरे साल को एक जितना ब्याज देगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये 64 है वो दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल को ब्याज देगा। ठीक है, तो 64 देगा 8 और ये 8 देगा 1, 1/8 हो गया। ठीक है, तो 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है, ये होता है, ये जो बॉक्स है पूरा यही आपका अंतर है। कैसे? पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, उसमें से साधारण ब्याज घटा दूंगा तो ये बच जाएगा, कितना है, 8 से 24 = 25, तो 25 रेशो बराबर है 80 = 750,
क्वेश्चन 750 गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका 30, एक रेशो की वैल्यू 30 ना भाई, अपन ने प्रिंसिपल मान रखा है 512, तो 512 इंटू 30 कर दूंगा तो प्रिंसिपल निकल गया जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 से 15, यानी कि 15,360 आपका इसमें आंसर आ जाने वाला है। ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ऑप्शन से मतलब भी नहीं है। चलो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करूंगा कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, काफी आसान क्वेश्चन है, इस पर मैंने बेस्ड 2-3 क्वेश्चन तो कल भी करवाए थे, मतलब लास्ट सेशन में करवाए थे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 7% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 36.75 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन, कैलकुलेशन हो सकती है लेकिन कैलकुलेशन से डरना नहीं है। रेट जो है 7% है, मैंने इसको 7/100 लिख दिया। टाइम आपका 2 साल की बात है ना, ठीक है, टाइम 2 ईयर्स, ठीक है भैया। और मैंने प्रिंसिपल मान लिया अपनी तरफ से, कितना मानूंगा, नीचे क्या है फ्रैक्शन में, नीचे 100 है तो 3 साल की बात थोड़ी है, 2 साल की बात है, तो बस 10,000 ले लेता हूँ, 4 जीरो लगने चाहिए बस, जिससे कट जाए आसानी से, ये रेशो में है, ठीक है, 10,000 मैंने मान के चलता हूँ। तो अब 2 साल की बात है, पहला और दूसरा फ्री बना लीजिए, इसको 10,000 को 7/100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 700, जो पहले साल का साधारण ब्याज है वही दूसरे साल का साधारण ब्याज होगा, रेट इक्वल है, ठीक है। और 700 पर एक बार और 7/100 करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 49, तो इसका अंतर क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर जो है वो 49 है। अब 49 रेशियो इज इक्वल टू इसकी तरह रखा है 36.75, हाँ जी 36.75, तो एक रेशियो की वैल्यू होगी आपके पास 36.75 अपॉन 79, 7 से काटने की कोशिश करेंगे इसको, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 35, और ये हो जाएगा 1 × 7 = 14 के बाद 3 × 7 = 35, 7 से और काटने की कोशिश करो, 7 × 49 और 3 × 7 = 35, 7.5, एक रेशियो की वैल्यू 7.5 है, अपन ने क्या मान रखा है भैया, प्रिंसिपल मान रखा है 10,000 इंटू 7.5 करूंगा तो ये हो जाएगा अपना 7,000 यानी 7500 हो जाएगा, शायद 4 जीरो अगर मान लगते हैं तो 7500 हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, देख लो ऑप्शन में इधर, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, 7 × 7 = 7500 आपका आंसर, 75,000 अपना 75,000 आ रहा है, क्यों देखो कुछ गलत गलतियां की होगी, अपने 7 × 35 पॉइंट लगाया, 7 × 1 = 7 नहीं सही है, 7 × 14 ही आ रहा, 7 × 14 हाँ सॉरी यहाँ पर 7.5 ना आके मेरे दोस्तों 0.75 आएगा, तो 0.75 को अगर मैं यहाँ से गुणा करता हूँ तो यहाँ पर ये 4 जीरो लगेंगे लेकिन 2 के बाद पॉइंट कट जाएगा, समझते हैं इस बातों का, 1 जीरो अपना एक्स्ट्रा चल रहा था, तो 7500 इसका आंसर आपका आ जाने वाला है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन आप पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब तक पढ़ो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, कह रहा है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्ष का साधारण ब्याज में अंतर आपको 139 रुपए दे रखा है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दे रखी है आपको 22.22, तो मूलधन ज्ञात कीजिए, आ जाइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दर से घबराना नहीं है भैया, देखो रेट आपको कितनी भी बढ़िया से बढ़िया दे रखी हो आपको निकालना आनी चाहिए, 22.22 क्या होता है, देखो 22.22 ये क्या होता है, 11 से 1/9 आपको क्या पता है, 11 से 9/1 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है, तो ये 22 क्या है, 22 से 2/9 है, 22 से 2/9 कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा भाई, बात तो सीधी सी है ना, इसका दोहरा ही तो है, आपको ये तो याद है ना, 11 से 1/9 जो होता है वो 1/9 के बराबर होता है, नहीं पता क्या क्या दिक्कत है, देखो 11 × 99 और 100, 100/9 करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 1/9 हो जाएगा, इसी तरीके से 22 से 2/9 कितनी होती है, 2.9 होती है, तो ये कितनी हो जाएगी भैया, 2.9 हो जाएगी, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, इससे कोई मतलब नहीं है, 22.22 कितनी होती है भैया, 2.9 होती है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज में अंतर, चलो तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है भाई, आपको प्रिंसिपल नहीं दे रखा, केवल अंतर देखा, प्रिंसिपल तो पूछ रहा है, चलो देखो प्रिंसिपल को मैं क्या मानू, 3 साल की बात चल रही है तो मैं फ्रैक्शन में 9 नीचे आ रहा है, 9 का अपन जो करेंगे क्यूब कर लेंगे, 3 साल की बात है तो 729 होता है कि नहीं होता है, मान लिया मैंने 729 क्या है इसका प्रिंसिपल है, चलो ठीक है 3 साल की बात है तो 1, 2, 3, 729 में अपन 2/9 को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 81 + 81 = 162, साधारण ब्याज 3 सालों में बराबर, चलो और अब ये जो पहले साल का ब्याज है वो दोनों को ब्याज देगा किस दर से, 2/9 से, तो 9 कितना हो गया दोस्तों देख लो, 9 × 9 = 9 और 7 = 16 = 18, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा क्योंकि ये इसको देगा ब्याज, फिर 162 का ये 18 हो जाएगा, फिर 18 का कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 थोड़ी होगा 9 दिन, अरे देखो गलती कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 18 तो क्या है, मैं 9 से भाग लगाया तो 18 आया लेकिन ऊपर 2 भी तो बना है तो 36, फिर यहाँ पर 36 और ये इसको देगा तो 36 देगा, अब ये जो देगा वो कितना देगा, 9 × 36 = 8,
सही बात है बिल्कुल। अब ठीक है चलो, अब क्या कह रहा है कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज। देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब समझते हो आप, ये पूरा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, पूरा बॉक्स आपका जो है 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। और कह रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, उसका अंतर यानी पूरे में से अगर इसको हटा देता हूं तो बचता है ये भाई साहब बच जाएंगे, या तो ये भाई साहब ये जो पूरा है वो किसके बराबर है, 139 के बराबर है। तो देखो 162 36 दिया होता है 108, 108 और 8 और जोड़ देंगे उसके अंदर, तो 8 तो यहाँ जुड़ गया, 108 यहाँ जुड़ गया, कितना हो गया 8 और 10 10 और 18 का यार 7 278। अब ये जो 278 है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, 278 जो है 139 के बराबर है, तो 1:2 आ गई, 1:2 क्या गई 1/2 आ गई। अपन से मैंने क्या मान रखा है, प्रिंसिपल को 729 मान रखा है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 729/2, तो 2 3 6 2 6 12 2 4 8 2 5 10, यानी कि असलियत में वैसा आंसर कितना है 364.5। ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन में ए नंबर पे ऑप्शन है 364.5। कैसे हुआ, रेट जो थी 22.22 थी जिसको मैंने फ्रैक्शन में 2/9 लिखा, 3 साल की बात कर रहा था तो 729 मैंने क्यूब कर लिया किसका 9 का, जो फ्रैक्शन वैल्यू के नीचे 9 आ रहा था, ठीक है। चलो 3 साल की बात थी, पहला दूसरा तीसरा, पहले साल में ब्याज 162 साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा 132 36 36 और इसका 36 36 का 8, ठीक है, पूरा टोटल है चक्रवृद्धि ब्याज। उसके अंदर से 2 साल का साधारण ब्याज हटाया तो ये भाई साहब बचे अपने इतने सारे, ये बराबर मैंने रख दिया 278 139 के, 1:2 बराबर आया 1/2 के, 1/2 को मैंने 729 से गुणा कर दिया, अपना आंसर आ गया। चलो देखो छठा क्वेश्चन पढ़ो, आसान क्वेश्चन बहुत बढ़िया, देखो क्या कह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, प्रिंटिंग नहीं टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंट क्या होता है, प्रिंट तो होता ही नहीं है। देखो क्या है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 840 है, हाँ है, यदि ब्याज की दर 11% ना होकर 11 सही 1/9 11 होल 1/9 करेक्शन कर लीजिएगा, 11 सही 1/9% है, जिसकी फ्रैक्शन में जो अपन को पहले अभी बताई थी आपको 1/9 होती है, ठीक है होती है। अब क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है और कुछ नहीं, मूलधन पूछ रहा है, तो मैंने मूलधन मान लिया, 3 साल की बात है तो इसका क्यूब करूंगा कितना 729, 3 साल की बात है 3 साल का मैंने 3 बना दिया, इसका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 81 होगा, 81 को 1/9 करूंगा तो 9 9 इसका 9 9 का 1, अंतर का मतलब क्या होता है ये वाला हिस्सा, ये कितना है 9 के 27 और 1 28, सही बात है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है, यही बोल रहा है अंतर जो बोल रहा है ठीक है, तो 28 बराबर है आपके 840 के, तो 1:1 बराबर हो जाएगा 840/28, जिसको मैं काटूंगा 2 से काट लो 14 बार कट गया, 2 4 8 2 2 0 14 से 31 बार कट गया, 1:1 की वैल्यू 30, आपको किससे गुणा करना है, प्रिंसिपल है 729 इसको 30, 0 9 के 27 का 7 2 6 2 8 और 7 के 31, तो आंसर क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका रुपीज में 21,870 जो कि ऑप्शन में पहला ही आ रहा है 21,870, कुछ नहीं है ना, ऐसा तो लग रहा है कि भाई थोड़ा फास्ट चल रहा है, अगर आपको लग रहा है तो पहले की जो 2-3 क्लासे है ना, 1 या 2 क्लास है वो देख के आइए, आप समझ में आएगा आपको कि अपन तेज कैसे कर पा रहे हैं और आप भी तेज कर पाए, और उम्मीद करूंगा कि आपने देख ली होगी, नहीं देखी है ना तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां से देख डालिए, ठीक है। चलो देखो और अब 7वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वर्ष 6 माह यानी कि 1.5 साल की बात है भैया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 1500 रुपए, और यदि ब्याज की दर 25% है तो यदि ब्याज की दर 25% है मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन ब्याज 6 माह में संयोजित हो रहा है यानी कि हाफ ईयरली केस है। चलो तो टाइम आपको कितना गिवन है भैया, 1 ईयर और 6 महीने, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा कि ये कितना 1.5 साल है ना, 1.5 साल है ये, तो मैं दुगना कर दूंगा, अर्धवार्षिक है तो समय दुगना हो जाएगा, 2 साल मान के चलेंगे 3 साल मान के चलेंगे, 1.5 साल का दुगना 3 साल यानी कि 36 महीने, ठीक है, और जो रेट है वो 25% है, लेकिन मैं 25/2 करूंगा, क्यों करूंगा आप सभी को पता है, क्योंकि हाफ ईयरली केस है, तो 25 का होता है 1/4, इसका हो जाएगा 1/8, तो कुल मिला के 12.5% ही तो है, 12.5% कितनी होगी 1/8 होती है फ्रैक्शन में भी। चलो और मूलधन मैंने मान लिया जो आपका प्रिंसिपल है वो मैंने कितना माना, 3 साल की बात है क्यूब कर लेता हूँ 512, 8 का मैंने क्यूब कर लिया, चलो 3 साल की बात है तो 1 2 3 8 से इसको मैं काटूंगा 64 का 8 8, इस वाले 64 का 8, इस वाले 8 का 1, ठीक है, अंतर क्या होता है ये वाला डिब्बा 8 के 24 25, तो 25 बराबर है आपके किसके बराबर दे रखा है 1500 के बराबर, तो यानी कि 1:1 की वैल्यू आई 60, 1:1 की वैल्यू 60 आ गई, प्रिंसिपल अपने कितना मान रखा है 512 गुणा कर दो
जो प्रिंसिपल है वो 512 इंटू 60 हो जाएगा, तो आंसर में 0 तो लास्ट में आएगा, 6 दूनी 12 का 1, 6 कम 6 और 1 7, ये 1 है ना, और 6 पंचो 30, सही है, ये आपका 30 में आंसर आ गया। कितना आंसर आया, 30720 ऑप्शन है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए है। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो पढ़ो आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कैसे कह रहा है कि किसी निश्चित चक्रवर्ती ब्याज किसी निश्चित धनराशि पर दो साल और तीन साल में चक्रवर्ती ब्याज 234 और 381 रुपए। समझ लो दूसरे साल और तीसरे साल का मतलब नहीं है, दो साल और तीन साल में, यानी दो साल तक और तीन साल पर टोटल मिलाकर 381 रुपए है ब्याज की दर। ब्याज आइए बता दूं कैसे होगा, देखो ये दे रखा है इसमें सीआई ऑफ सीआई दो साल तक का ना, दो साल सालों का, और एक तरफ दे रखा है सीआई तीन सालों का, तीसरे साल का नहीं, तीन सालों का। अब मैं आपको कहूं कि सीआई निकालो तीसरे साल का, थर्ड ईयर का, क्या करोगे आप इसमें से इसको घटा दोगे, तो ये कितना दे रखा था, ये अपन को दे रखा है 381, और ये दोस्तों ये कितना दे रखा है 234, इसमें से इसको घटाओगे कितना चला 147, ठीक है। अब देखो छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक मान के चलो, इसको मैं आपको बता भी दूंगा कैसे आई, ये जो 147 है ना, यानी तीसरे साल का जो ब्याज होता है, तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज हमेशा ये होता है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये एक्स क्या है, ये एक्स है कि ना वो रेट, रेट की फ्रैक्शन में, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर 147। अब आप कहेंगे कि 147 तो पूरा स्क्वायर तो है नहीं, या वर्गमूल तो होगा नहीं इसका, तो भैया 147 नहीं तो उसके आसपास कोई वो देखो इसका गुणनफल, इसका मल्टीपल, तो इसका मल्टीपल देखो क्या है कि 49 into 3 है, तो 3 को यहाँ से थोड़ा सा हटा के साइड में रख दिया साइड में, तो ये 49 हो गया, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों 7 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो रेट क्या होती है, रेट होती है 1/x, ठीक है समझा रहा हूँ अभी है ना, तो 1/6 × 100, 1/6 की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाएगी आपकी 6 × 6 4 इसको दिया 6×6 36, 16×2/3 होती है ना, 16×2/3 इसका परसेंटेज आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये रहा 16.67, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी आया कैसे ये रामायण आई कैसे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है ना, ये 147 कैसे आया, बस मैंने तीन सालों में से दो साल को हटा दिया तो बच गया 147 रुपए। चलो अब देखो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर में कैसे देता हूँ, समझ में आ गया, देखो नहीं आया तो एक बार देखो फटाफट से, देखो एक बार देखो, रेट मैंने मान ली 1/x, ठीक है 1/x है, कितने सालों की बात हो रही है, तीन सालों की बात हो रही है, तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया x क्यूब, ठीक है तीन सालों की बात हो रही है, ट्री बना लीजिए, ट्री बनाओगे अब x क्यूब है उसमें 1/x का भाग लगाओ x स्क्वायर, ये हो गया साधारण ब्याज, जब एक्स स्क्वायर के ऊपर 1/x करोगे तो x, सही है, ये वाला x स्क्वायर देगा x, और ये x देगा 1/x, सही बात है ना, ओ सॉरी 1/x को देगा भाई, 1/x से गुणा करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि तीसरे साल का ब्याज अपन ने अभी बताया ना कितना आया, 147 रुपए आया, कैसे आया, देखो 381 तो है आपके तीन सालों तक का, उसमें से 234 ये दो सालों तक का है, तो तीसरे साल का निकल के आ जाएगा 147। अब ये कैसे आया, ये तो समझ नहीं आया होगा आपको है ना, मुझे लग रहा नहीं आया, कैसे नहीं आया, देखो तीन सालों का टोटल ब्याज ये होता है, कभी भी देख लो होता है कि नहीं होता है, तीन साल का ये होता है, और दो साल का क्या होता है, ये होता है, तो बचता है तीन सालों का, ये तीन सालों का है, तो तीन सालों का क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि अल्टीमेटली इसको कहते क्या है अपन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो ये जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है वही तो है क्या, अभी भी निकाला 147 रुपए, लेकिन याद रखना 147 मान लो कभी कभी तो ये आ जाएगा पूर्ण वर्ग आ जाएगी, पूरा पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो इसका आप क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे, जो कि 49 × 3 आ रहा है, तो इस 3 को साइड में रखिए, ये जो 49 है ना उसको इसके बराबर रखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 49, तो x प्लस 1 बराबर आ गया 7, x बराबर आ गया 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, रेट क्या है अपनी 1/6 × 100 तो चलता ही है, तो 16.67% आपका आंसर आ जाने वाला है, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे और भी अपन क्वेश्चन करेंगे, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, उम्मीद करूंगा कि आपको इस क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।